विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज से दो स्पेशल ट्रेनें कालका से सोलन तक चलनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि इससे पहले कालका से कोटी तक ही ट्रेन चल रही थी, लेकिन आज सुबह जो ट्रेनें सोलन पहुंची हैं, उसमें सिर्फ 10 या 15 यात्री ही पहुंचे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शिमला तक ट्रैक बहाल हो सकता है, जिससे हिमाचल की वादियों का सुहाना सफर ट्रेन के माध्यम से फिर शुरू हो जाएगा। इसके चलते पहले सोमवार और मंगलवार को भी रेलवे विभाग ने ट्रैक पर मालगाड़ी को चलाया था और मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने बताया कि सुबह 4:30 बजे सोलन के लिए ट्रेन चलेगी और करीब 7:15 पर सोलन पहुंचेगी, जबकि दूसरी ट्रेन 12:10 पर कालका से चलेगी और दोपहर 2:55 पर सोलन पहुंचेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।